समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हैं और लहसुन की नीलामी अभी भी जारी है, सुबह से जो लगातार दौड़ जारी है। सबसे खास बात ये बताना चाहूँगा कि मैं कल भी तेज़ी देखी गई और आज बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई है। और आज जो अभी तक एक जब एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल गया है ऊटी में, वो 35,000 तक गया है, 30 से ऊपर क्रॉस कर गया है मामला। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का मार्केट बन रहा है अब और आने वाले दिन लहसुन के लिए कितने शानदार हो सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो देसी है, देसी लहसुन भी 18,000 तक गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मार्केट टाइम्स टीवी ने भविष्यवाणी की थी और यहाँ एक व्यापारी ने इंटरव्यू दिया था, उस समय ऐसा भाव नहीं था, आधा भी नहीं था उस समय, पर आज जो भाव खुले हैं और पिछले दो दिनों से जो देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए काफ़ी अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। और आगे भी इस तरह के दाम मिलते हैं तो किसान स्वाभाविक है उत्साहित होंगे। और आज मैं बताना चाहूँगा कि नीमच कृषि उपज मंडी में लगभग 18,000 से 20,000 बोरी की आवक हुई है। दाम जो औसत है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 25-30 से लेकर ऊटी बेस्ट में जा रहा है। हालांकि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी में जैसे मैंने बताया 135 तक भी गया है, इसी तरह जो 15-16 के आसपास देसी जा रहा है। और नीचे की बात करें तो कोई भी ऐसी ढेर नहीं है जो 5-6 हज़ार से नीचे जा रहा है, जो मतलब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि भाव कितने बेहतर मिल रहे हैं। एक किसान है जिनकी अभी देसी लहसुन गई है, कहाँ से आया भैया पूछते हैं, भैया कहाँ से आए हो? पड़ाना गाँव नलखेड़ा के पास से। क्या क्या भाव गई? 16,200। बताओगे सैंपल कौन सा है? ये देखिए सैंपल इनका बहुत अच्छा सैंपल है ये है। तो क्या उम्मीद लेके आए थे आप भाव की? इनकी 12-13 हज़ार बिकेगी, लेकिन अच्छी बिकी, मतलब बहुत अच्छी बिकी। इनका कहना है कि ये खुद उम्मीद लेके 12-13 की आए थे, लेकिन अच्छी बिकी है। आने वाला अभी अभी और लहसुन पड़ी है क्या आपकी? है ना, अभी तो कितनी पड़ी है? ये 50 कट्टे और है। तो अभी रोकेंगे कि लाएंगे? अभी तो रोकेंगे, आधी निकाल ली आधी रोकेंगे अभी। मतलब कुल मिला के भाव बढ़ते दिख रहे हैं तो रोकने की भी है इच्छा। आप कहाँ से आए? मैं हो गया नीलामी आपका होने का? होने की कौन सी आपकी, देसी की ऊटी? देसी। देसी है तो क्या लग रहा है कहाँ तक चली जाएगी, कैसा है माल आपका? माल अच्छा है। माल अच्छा है, क्या उम्मीद लग रही है देसी कहाँ तक चली जाएगी? 12-13 तक लग रही है। 12-13 तक, 18 गई है आज। देखेंगे अभी तक है तो अभी नीलामी होने वाली। कब आए थे वैसे? मैं रात को आया। रात को आए थे, मतलब कुल मिला के कैंपस में आ चुके हैं। कहाँ से आए भैया? गुजराखेड़ी से आए हम, नलखेड़ा माँ बगलामुखी। अच्छा, जय हो माँ बगलामुखी की। अब ये बताओ आपके आपके लिए क्या है? लहसुन लेके आए ना, बिक गई? बिक गई ना, आधी बिक गई, आधी अभी पड़ी है, छर्री पड़ी है अभी। छर्री यही बिकना बाकी? छर्री बिकना अभी डोम में अभी वो। अच्छा, क्या क्या भाव गई जो लाए थे? 10,900 बाकी है। क्या कैसा था माल? मीडियम में? मीडियम 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 था, थोड़ा सा पड़ता था उसका। हाँ, उम्मीद था यही 10-11 हज़ार, नहीं 10,000 की थी उम्मीद, 10,000 तो बिक जाएगा। तो अभी कैसा बिका है? अच्छा बिका, तो 900 ऊपर बिक रहा है। हाँ, मतलब जो अपनी उम्मीद है उससे ज्यादा बिक रहा है, उससे ज्यादा बिक रहा है। छर्री भी 7,000 तक चल रही है अभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, 7,000 तक जाने लगी है। पीछे की मंडी में फिर भी डिफरेंस है थोड़ा। पीछे की मंडी मतलब अभी जो स्टार्टिंग है 9 बजे से 9:30 तक चली जा, उसके बाद 1,500-2,000 की तेजी है। तो अभी और अच्छा भाव मिला? अभी अभी जो लास्ट टाइम है इससे अच्छा भाव मिला है, मतलब टाइम टू टाइम 15-2 हज़ार की तेजी सुबह से अभी। हाँ। एक घंटे में ही, मतलब। तो जैसा कि किसान भाई बता रहे हैं कि उनके सुबह से अभी तक और तेजी देखी जा रही है, तो इनको उम्मीद है कि आने वाले जो समय में है और अच्छा दाम और अच्छा दाम मिलेगा। अब की बार 400 पार पक्का, अब की बार 400 पार है भैया। तो कुल मिला के अपने अपनी राय अपने अपने व्यू लोग दे रहे हैं और निश्चित तौर से किसानों के लिए अभी खुशी का माहौल बना हुआ है और हम भी चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का माहौल बना रहे, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले और लहसुन का जो बीच में अभी डाउन चल रहे थे वो एक इस तरह से उठाव आएगा जो 30-32 लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन आज जो 35 गया है वो और सोचने के लिए मजबूर कर देगा किसानों को कि किस तरह के दाम उनको मिल रहे हैं। और यहाँ कई किसानों से बात हुई, उनका कहना है कि हमें उम्मीद से बेहतर दाम मिले हैं। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।